दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जिला मुरादाबाद के कस्बा अगवानपुर से, और यहाँ पर हम जो है बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट लिया है नसों से संबंधित और जोड़ों से संबंधित। उसके बारे में एक हमारे सेकंड वाइस ये हैं जो साइकिलों का काम करते हैं और काफ़ी टाइम से ये परेशान थे, इन्हीं की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनने में जो है और अच्छा लगेगा। और आप जो है शकील भाई अपने बारे में बताइए। करीब आपसे 15 साल पुरानी बीमारी है जो मैं परेशान हूँ, और मैंने बहुत MBBS डॉक्टर के का इलाज भी किया, हकीमों का इलाज भी किया, लेकिन मुझे इतना फ़ायदा कि हमें किसी दवाई ने इतना फ़ायदा नहीं दिया जितना इस दवाई ने फायदा दिया। अच्छा, आप इस टाइम क्या ले रहे हैं? इस टाइम ये सर SLPS का ऑर्थोडॉग है और SLPS का थंडर ब्लास्ट, जो ये अभी 1 महीना 10 दिन से ये जो है ले रहे हैं। आप 1 महीना 10 दिन मुझे दवाई को लेते हो गए जो मुझे लगभग 40% फ़ायदा है इस समय। पहले जो परेशानी थी आपको? पहले जो परेशानी थी जो बहुत ज़्यादा थकान होती थी, परेशानी होती थी, हड़कड़ होती थी, वो बहुत कम है। बैठ के खाने में जी। अच्छा, क्या परेशानी थी आपको उस टाइम? परेशानी ये थी कि ये यहाँ पे दर्द, यहाँ पे जोड़ों में दर्द, यहाँ से दर्द था, 4 कदम चलने के बाद में बैठना पड़ता था, चला नहीं जाता था जी। ये परेशानी थी। आज आप कितने अच्छे हैं और कितने संतुष्ट हैं? अगर मुझे किसी काम से 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर चलना है तो कई जगह बैठ के जाना है, नहीं हिम्मत नहीं पड़ती चलने की। आप कितना फ़ायदा आपको अभी काम करने में? कोई दिक्कत ऐसी? अब काम अब यह है कि मैं चल भी लेता हूँ और चलने के बाद इतनी थकान नहीं होती, उसके बाद में कोई दूसरा काम भी जाना है तो फौरन चला जाता हूँ। आपको नमाज पढ़ने में जो दिक्कत होती थी? आपको नमाज पढ़ने में इसमें दिक्कत होती थी कि टांगे नहीं मुड़ रही थी, खड़े से ही रुकू के बाद और फौरन जो है सजदे में जाना पड़ता था। हाँ, सही तरीके से नमाज भी अदा नहीं होती, अब सही नमाज भी अदा हो रही है। क्या कुछ है? और 40% फायदा है इस समय। इस दवाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इस दवाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस दवाई ने इस्तेमाल करें और बहुत सी दवाई इस्तेमाल कर ली मैंने, हकीमों की भी, संभल तक की दवाई लाया मैं जी, जी। और इधर ठंडियाती वाला है वहाँ से भी दवाई लाया ठाकर द्वारे के पास में जी, लेकिन ऐसा फ़ायदा मुझे आज तक किसी दवाई में नहीं मिला। जो बहुत अच्छा, आप पकवान भी लड़ने लगती थी। लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप इस दवाई का इस्तेमाल? हाँ, जिस दिन को ये शिकायत है नसों के बारे में या हड्डियों के जोड़ों में दर्द है, आप वो इस दवाई को इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।